आईनी तरमीम आज सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगी। हो सकता है मौलाना फजल रहमान तरमीम कौमी असम्बली में पेश करें। नए चीफ जस्टिस का तकर्रर आईनी तरमीम के तहत होगा। वजीर कानून आजम नजीर ताहर की गुफ्तगू। विफाकी काबिना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। आईनी तरमीम पर हुकूमत से बड़ा इख्तलाफ नहीं, बानी पीटीआई की तरफ से भी मस्बत पैगाम मिला। हतमी जवाब के लिए आज भी इंतजार करेंगे। मौलाना फजलुर्रहमान का ऐलान। बिलावल की मौलाना फजलुर्रहमान से कौमी असम्बली में बिल पेश करने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर्रहमान का घर आईनी तरमीम पर मशावरत का मरकज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर्रहमान से 24 घंटों में 4 मुलाकातें। नायब वजीर आजम इसहाक डार और मोहसिन नकवी की भी मौलाना फजलुर्रहमान से मुलाकात। पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता। मुत्तफिक होना, मुजाकरात करना पीटीआई की सियासत ही नहीं, पीटीआई की कोशिश है। मौलाना साहब को चक्कर दें मगर इस तरह मौलाना को धोखा देना इनके बस का रोग नहीं। मौलाना फजलुर्रहमान पीछे नहीं हटेंगे, आज इजलास में जरूर आएंगे और वोट भी देंगे। राणा सनाउल्ला का बयान। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर हुकूमत को प्यारे हो गए। अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त जमहूरी इकदार के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आईनी तरमीम पर वोटिंग के बायकॉट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के दायरेकार और किरदार का तायुन पाकिस्तान और भारत का मामला है। अमरीका का भारतीय वजीर खारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द अमल। कराची के इलाके ली मार्केट में फ्लैट से 4 खवातीन की लाशें मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। जेर हिरासत मुलजिम ने मां बहन कमसिन भांजी और भाभी के कत्ल का एतराफ कर लिया। इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी जारी। गजा में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने खैमों में मुकीम बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। दीरुल बलाह में मस्जिद तूबा के इर्द गिर्द बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी। अलसाबरा की असलाम मस्जिद के करीब रिहायशी इमारत पर भी हमले। और लाहौर शदीद स्मोक की लपेट में, लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया।